नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए एक रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ LIC का। आप लोगों को पता है कि LIC का अभी AAO का एग्ज़ाम हुआ है, तो जैसे ही ये एग्ज़ाम ख़त्म हुआ आज ही LIC ने एक नई वैकेंसी निकाली है, ADO की वैकेंसी निकाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। सिलेबस वही है जो आप लोग पढ़ रहे हो और वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका नाम क्या है वैकेंसी का। आपका वैकेंसी का नाम है LIC ADO। ADO की फुल फॉर्म है अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर ADO। तो मैं इसके बारे में आपको बताया था वैकेंसी कितनी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिलेबस है, कितनी एज चाहिए। तो टोटल जो मैं आपको वैकेंसी बताया था ये आपकी, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF दे दूंगा, आप यहाँ से देख लेना कौन सी जगह में कौन सी वैकेंसी है, ठीक है ना। नासिक में कितनी है, पुणे में कितनी है, अमरावती में, अहमदाबाद में, वडोदरा में, थाने में, सूरत में, सब वैकेंसी दी है। टोटल वैकेंसी जो आपकी है 1753 टोटल वैकेंसी है। तो आपको PDF दे दूंगा, आप जब फॉर्म अप्लाई करो तो कौन सी जगह पे ज़्यादा वैकेंसी है उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। तो टोटल वैकेंसी 1753 है। और जो मेन है मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो 15% वैकेंसी है इसमें से 1753 में से, वो आपके इंटरनल लोगों के लिए। इंटरनल मतलब जो एम्प्लॉय ऑलरेडी LIC में काम कर रहे हैं, जो वर्किंग एम्प्लॉय है LIC में, उनके लिए इनमें से 15% वैकेंसी है। और 25% वैकेंसी LIC एजेंट्स के लिए है, जो LIC के एजेंट्स है 25% वैकेंसी उनके लिए। और इसके अलावा बची 60% वैकेंसी आप जैसे लोगों के लिए, मतलब जो लोग स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 60% वैकेंसी है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि 15% इंटरनल लोगों के लिए, 25% LIC के एजेंट के लिए, और जो 60% है जो स्टूडेंट्स है, जो फ्रेशर्स है, पढ़ाई कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए 60% वैकेंसी है। तो मैं आपको सिलेबस बताता हूँ सबके लिए क्या क्या सिलेबस होगा, ठीक है। पहले मैं आपको डेट बता देता हूँ कि आपका जो फॉर्म भरने स्टार्ट होएगा ऑनलाइन, वो आपके 20 मई से स्टार्ट होएगा। मतलब आज 19 तारीख है, तो कल से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट डेट जो है फॉर्म की वो है 9 जून 2019, इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और जो कॉल लेटर आएगा आपके, एडमिट कार्ड आएगी, उसकी जो डेट होगी वो होगी 29 जून 2019, या उसके बाद आपके कॉल लेटर आएंगे। और जो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, इसके दो पार्ट होगा, एक प्री होगा एक मेंस होगा। मैं आपको प्री का सिलेबस भी बता दूंगा, मेंस का सिलेबस भी बता दूंगा। प्री का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 6 और 13 तारीख को, और जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो 10 अगस्त को होगा, ठीक है। 6 और 13 जुलाई को प्री का, मेंस का एग्ज़ाम 10 अगस्त को होगा। अब मैं आपको इसके लिए सिलेबस बता देता हूँ क्या सिलेबस पढ़ना है आप लोगों को। पहले मैं आप लोगों को प्री एग्जामिनेशन, प्रीलिम एग्जामिनेशन का सिलेबस बता देता हूँ, या प्री एग्ज़ाम का सिलेबस बता देता हूँ। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट आएगा, पहला आएगा रीजनिंग, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर आएगा इंग्लिश। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। इन सब के लिए आपको अलग अलग 20 मिनट का मिलेगा, मतलब रीजनिंग के लिए 20 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट, और इंग्लिश के लिए भी अलग से 20 मिनट। टोटल आपका 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 होंगे। मतलब आपका जो कट ऑफ जाएगी वो 70 में से जाएगी, 100 में से नहीं जाएगी। इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग इन नेचर मार्क्स है, मतलब इंग्लिश का आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, मतलब जो आपकी कट ऑफ होएगी वो आपकी इंग्लिश के कट ऑफ नंबर उसमें नहीं जुड़ेगी, आपके टोटल कट ऑफ 70 में से जाएगी। तो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसके बाद मैं आपको मेंस का बताया, तो मेंस के लिए आपके वही 3 सब्जेक्ट हैं। मेंस में पहले आपके रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जब आप प्री पास कर लोगे उसके लिए मेंस के एग्ज़ाम का सिलेबस है। पहला आएगा रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। उसके बाद जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशल एम्फसिस ऑन ग्रामर एंड वोकैबलरी, इसके भी 50 नंबर के क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस से रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, इंश्योरेंस और फाइनल सेक्टर से क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। तो ये आपका मेंस का सिलेबस हो गया। 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 150 मार्क्स के, और टोटल टाइमिंग होगा आपका 120 मिनट्स, मतलब आपके 2 घंटे हो गए टोटल। तो ये था आपका मेंस का पेपर। अब आगे इसमें दिया हुआ एजेंट्स वगैरह के लिए, और एजेंट्स के लिए सिलेबस अलग से दिया हुआ, तो वो लोग जो एजेंट्स हैं उनके लिए PDF में दे दूंगा, नोटिफिकेशन में पूरा पढ़ लेना। तो ये थी आपकी वैकेंसी, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली ऐसी न्यूज़ मिलती रहे, बढ़िया बढ़िया वैकेंसी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।